अशोका के जो डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज किए वो हमें कैसे पता लगा कि वो अशोक से ही रिलेटेड थे और uh, जो epigraphics थे, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आई इंस्क्रिप्शन के इंस्क्रिप्शन uh, को जानने के लिए उनके उनमें क्या क्या लिमिटेशन थी तो सबसे पहले आते हैं हाव ब्रह्मियन खरोजती इंस्क्रिप्शन डेसीफर्ड भाई वो डेसीफर्ड कैसे हुई थी तो देखो लेट एटीन सेंचुरी की बात है लेट एटीन यूरोपियन जो यूरोपियनर्स थे ना एडेड बाय इंडियन पंडित जो भी यूरोपियन स्कॉल थे जो एजुकेटेड इंटेलैक्चुअल पीपल थे उनकी मदद किसने की इंडियन पंडित ने वर्क बैकवर्ड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी बंगाली एंड देवनागरी मेनूस्क्रिप्ट जो भी मेनुस्क्रिप्ट Uh, किस पे लिखी जाती थी पत्तों पर मेन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी ना तो उस टाइम पर ये लोग मिलकर काम कर रहे थे यूरोपियन स्कॉलर्स और इंडियन पंडित की भाई हम जाने तो सही ये मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा क्या है कंपेयरिंग लेटर विद द ओल्डर स्पेसिमेंट्स ठीक है मिला जुला के कि भाई ये पहले के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनके साथ जोड़कर देवनागरी जो है उनका और पहले के जो इंस्क्रिप्शन मिले उनको जोड़कर मिलाकर कि भाई जो लेटर्स है किस में सेम है ठीक है तो वो सब जान जानने की कोशिश कर रहे थे लोग जेम्स प्रिंसेप जो था वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर था ठीक है उसने डेसिफर की थी ब्रह्मी और खरोश्ती लैंग्वे स्क्रिप्ट uh, ठीक है कौन सी स्क्रिप्ट ब्रह्मी और खरोश्ती जो ओल्डर वर्जन है ठीक है देवनागरी से भी गेव अशन टू इन्वेस्टिगेशन इन टू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री आप जान सकते हैं अगर हमने पहले की चीजें पढ़ी मतलब जो पहले की स्क्रिप्ट और उनको हमने डेसीफर कर लिया तो हम जान सकते हैं राइट right? कि पहले का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता था पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या होती थी लोग किस तरह से गवर्न होते थे क्या सिस्टम रहा करते थे ऑब्वियसली राइट right? तो इंस्क्रिप्शन का जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने पढ़ लिया मतलब उन्हें, उन्हें की जो स्क्रिप्ट है वो समझ डेसिफर कर ली अब देखो खरोश्ती स्क्रिप्ट, जो खरोश्ती स्क्रिप्ट थी, in जो इंडिया के पार्ट से ली, वो खरोश्ती स्क्रिप्ट किया करते थे अपनी इंस्क्रिप्शन में कॉइन्स में कौन सी स्क्रिप्ट यूज किया करते थे खरोश्ती अब जो इंडो ग्रीक कॉइन्स थे कंटेन द नेम्स ऑफ किंग्स उन कॉइन्स पर एक तो नाम होता था किंग्स का ठीक है ग्रीक में लिखा हुआ और खरोश्ती स्क्रिप्ट होती थी जेम्स प्रिंसेस जो थे हु कुड रीड दिस ग्रीक स्क्रिप्ट कंपेयर द लेटर्स एंड आइडेंटिफाई द लैंग्वेज ऑफ द इंस्क्रिप्शन एज ओल्डर फॉर्म ऑफ प्राकृत आप आप समझ सकते हैं उनको ग्रीक आती थी जेम्स प्रिंसेस को उन्होंने रीड किया और उसके ही लेटर ग्रीक स्क्रिप्ट के जो लेटर्स थे वो किससे कंपेयर किए खरोती इंस्क्रिप्शन से और उन्होंने बाद में नतीजा निकाला कि जो खरोश्ती इंस्क्रिप्शन है एज ओल्डर फॉर्म है प्राकृत का ठीक है प्राकृत स्क्रिप्ट का समझ आया अब देखो जेम्स प्रिंसिप वॉज एबल

ठीक है अब आप देखिए ये आप देख सकते हैं ये अशोका देखो ये देखिए ये देव ये हमारे जो आज हम पढ़ते र अब देखो इनके कुछ लेटर्स जो है इनसे मिलते हैं देखो इन दोनों को देखो इनको देखो मिलता है ना कुछ कुछ तो इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं इनका, इनका इससे क्या है मिलते जुलते हैं डू सम देवनागरी लेटर्स अपियर सिमिलर टू ब्रह्मी आर दे एनी दैट सीम डिफरेंट ठीक है ये आपकी ब्रह्मी हो गई और ये देवनागरी हो गई ठीक है ये देवनागरी ठीक है और ये आपकी ब्रह्मी हो गई ठीक है तो आप देख सकते हैं कुछ रिजेम्बलेंस है अब क्विंस अभी हमने बात की जो इंडो ग्रीक क्वंस थे उनके अंदर ये देखो किंग किंग की पिक्चर है इनस्क्राइब और क्या है यहाँ पर उनका नाम लिखा जाता है जो कि ग्रीक में या फिर खरोश ठीक है समझ आया आपको स्क्रिप्ट में होता है क्लियर हुआ तो ये किसने डिसिफर की थी ब्रह्मी एंड क्रोश जेम्स प्रिंसेप ने आगे चलते डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द नेम्स ऑफ अशोका आप देखो सम ऑफ द इंस्क्रिप्शन हैड द नेम अशोका सम कहीं कहीं तो इंस्क्रिप्शन में अशोका लिखा हुआ है कहीं कहीं में देवनम पिया लिखा हुआ है कहीं पे पियादासी लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूजन पैदा हो गई भाई अशोक ये कौन से रूलर की बात हो रही है ठीक है और किसके रिगार्डिंग बात हो रही है जो एपीग्राफिस थे ठीक है सो so बेटा जी एपीग्राफिस के बारे में हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एपिग्राफी क्या होता है एपीग्राफी क्या होता है इज द स्टडी ऑफ Of ancient inscriptions. समझ रहे हैं आप जो एंशियंट इंस्क्रिप्शन होती हैं उनकी स्टडी को ही क्या कहते हैं एपिग्राफी और जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलेंगे एपिग्राफिस्ट तो एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियन स्टडी दो इंस्क्रिप्शन जिन्होंने इंस्क्रिप्शन को पढ़ा डिड नॉट अंडरस्टैंड समझ ही नहीं आया भाई क्या एक क्या मतलब कि इतने सारे नाम एक रूलर के लिए पेलियोग्राफी तो जेम्स, प्रिंसेस दे दे content, style, language, तो जेम्स प्रिंसेस ने सारी चीजें मैच की और उन्होंने डेसीफर किया उन्होंने समझाया जो अशोका है ना इज द नेम ऑफ द रूलर एंड देवम देव नम पिया एंड पियादास यूज फॉर अशोका अशोका के लिए ये टाइटल्स यूज होते थे ठीक है देवना देवनम पियम पिया और पियादासी ठीक है बहुत सारी इंस्क्रिप्शन में टाइटल्स भी यूज हुए हुए हैं तो ही नोटेड दैट अशोका देवनम पिया एंड पियादासी आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम रूलर समझ आया आपको तो अशोक कई बार कंफ्यूजन होता था भाई ये तीन राजा है क्या नो no. तो ये टाइटल यूज होता था दोनों आपसे पूछ सकते हैं अशोका के लिए दो टाइटल्स बताइए तो आप को आंसर ये लिखना होगा लिमिटेशन इंस्क्रिप्शन में क्या क्या है? देखो टेक्निकल लिमिटेशन इन द स्टडी द इंस्क्रिप्शन थोड़ी टेक्निकल लिमिटेशंस क्या क्या थी इन सम ऑफ द लेटर्स आर वेरी समास्क्रिप्शन कहीं पर तो जो लेटर्स थे बहुत ही हल्के से इंक्रेव थे कोई तो बहुत बहुत ही ही लिखा गया था कहीं पे थे जिसकी वजह से पूरी इंस्क्रिप्शन जो है ढंग से नहीं पढ़ी जा पा रही थी सम इंस्क्रिप्शन आर डैमेज कुछ तो डैमेज हो चुकी थी उनका इंटरप्रिटेशन करना बहुत मुश्किल था एंड इन सम इंस्क्रिप्शन लेटर्स आर मिसिंग कहीं पे लेटर्स मिसिंग से सो रिकंस्ट्रक्शन आर अनदर अनसर्टन तो रिकंस्ट्रक्शन जो होती थी वो बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि यही लिखा है। अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ये भी श्योर नहीं होता था कुछ चीजें ऐसी होती थी बिल्कुल श्योर नहीं होता था कि जो हम समझ रहे क्या वही चीजें सही है जो हमने डेसीफर किया क्या, क्या वो सही है सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शन जो है वर made But only some hundreds have been discovered. अभी तक सिर्फ कुछ हंड्रेड को ही डिसेप्टर किया गया है, डिसकवर्ड किया है. Thousands of thousands are there still, in which all are not deciphered, published and translated. abhi tak nahi hui है. This is another more fundamental problem. ek aur problem hai ye Politically and economically significant matters are recorded in inscription, but routine agriculture practices, joys, sorrows or daily. dekho ध्यान से देखिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वो तो इंस्क्राइबड है जो डेली उनकी जो दिनचर्या होती थी जो उनकी खुशियां होती थी जो उनके दुख होते थे वो सब नहीं है उसके अंदर तो हम पूरी तरह से उस टाइम की पास्ट के टाइम पे इंस्क्रिप्शन्स के इंस्क्रिप्शन के थ्रू नहीं बता सकते कि किस तरह से कैसे लोग रहते थे और उनके क्या किस चीज़ से उन्हें खुशियां मिलती थी किस क्या उनके दुखों के कारण थे मतलब ये सारी चीजें नहीं कुछ सिग्निफिकेंट ही बातें इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता लग पाती है सभी चीजें इंस्क्रिप्शन के थ्रू नहीं पता लग पाती और हमने क्या क्या देखा कुछ जो एक बार दोबारा देख लेते हैं तो बेसिकली क्या लिमिटेशन आती है कुछ तो लेटर्स जो है इंस्क्रिप्शन में फेंटली इनग्रेव्ड है कुछ डैमेज है और जिस और कुछ मिसिंग है जिसकी वजह से हम पूरा अच्छे से उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते कुन, किसी किसी का तो एग्जैक्ट मीनिंग और मीनिंग ऑफ द वर्ड्स हम इजीली नहीं फाइंड आउट कर पाते बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन है लेकिन सिर्फ अभी तक हंड्रेड ऑफ इंस्क्रिप्शन ही डिस्कवर्ड हुई है ठीक है और फंडामेंटल प्रॉब्लम ये भी आती है कि उनमें कुछ अच्छी अच्छी बातें ही मतलब कि सिग्निफिकेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इंस्क्राइब किया हुआ है अदर्स अदर रिलेटेड जैसे रूटीन uh, जो उनके काम है रूटीन एग्रीकल्चर वर्क प्रैक्टिस ये सब उन इंस्क्रिप्शन में मैंशन नहीं है ठीक है तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो हम देखते हैं ब्रह्म किसने डिफर्ड की थी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने की थी ठीक है और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि किन कौन से क्विंस थे जिनमें नेम्स ऑफ द किंग लिखा जाता था ग्रीक में और खरोश्ती स्क्रिप्ट में वो इंडो ग्रीक क्वेंस थे कौन से इंडो ग्रीक Points. और ये पूछ सकते हैं जेम्स प्रिंसेस ने अशोकन ब्रह्मी कब डिसिफर की थी 1838 में ठीक है अगर ये पूछ सकते हैं देव देवनागरी स्क्रिप्ट की ओल्डर फॉर्म कौन सी है ब्रह्मी स्क्रिप्ट समझ आया आपको ओल्डर फॉर्म ऑफ प्राकृत लैंग्वेज ये प्राकृत लैंग्वेज हो गया ठीक है खरोश्ती इंस्क्रिप्शन है अगर आपसे पूछते हैं लैंग्वेज ऑफ द इंस्क्रिप्शन एज द ओल्डर फॉर्म ऑफ प्राकृत ठीक है ये ओल्डर फॉर्म किसके है खरोश्ती अगर पूछते हैं तो वो प्राकृत की ओल्डर फॉर्म है और ब्रह्मी अगर पूछ ब्रह्मी पूछते हैं तो ओल्डर फॉर्म किसकी है देवनागरी ठीक है तो हमने ये ये कितने क्वेश्चंस बन गए चार पांच क्वेश्चंस इसमें से बन गए आपके फिर ये लेटर्स आप देख सकते हैं कुछ लेटर्स जो है ब्रह्मी के देवनागरी से मिलते जुलते हैं ये मैंने क्वंस दिखा दी आपको जिसमें इंस्क्राइबड है कौन किंग और उनका नेम ठीक है फिर हमने डिफिकल्टीज भी रिवाइज कर ली तो आज मैंने ये चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया है ठीक है दैट इज किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स आपका कंप्लीट हो गया प्लीज डू रिवाइज द होल चैप्टर वंस अगेन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट अबाउट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन So, stay tuned with Study Smart Wala. Like, share, comment, and subscribe our channel. Moreover, we'll meet soon with the next chapter video. Okay. So, subscribe our channel. Keep motivating us. We'll make more videos for you all. Okay. Happy learning with us. Till then, bye. Take care.